शिरोसी और आप देख रहे हैं एसडब्ल्यूबी हिंदी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका साझेदारी को रेखांकित किया। वैश्विक स्तर पर टीके साझा करने के लिए अमेरिकी रणनीति के तहत भारत को टीके की आपूर्ति को लेकर दिए गए आश्वासन की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री ने ये अपने ट्वीट में फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया। साथ ही ट्वीट में उन्होंने वैक्सीन को लेकर भारत अमेरिका के बीच चल रहे सहयोग को लेकर भी चर्चा की है। आइए देखते हैं ये खबर। टेलीफोनिक वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ देर पहले कमला हैरिस से बातचीत हुई है। मैंने दुनिया भर में वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन की सप्लाई के आश्वासन की सराहना की। इसके अलावा अमेरिकी सरकार कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। पीएम ने यह अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर भारत अमेरिका के बीच चल रहे सहयोग को लेकर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि हमने भारत अमेरिकी वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों, कोविड के वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार में योगदान करने के लिए हमारे साझेदारी की क्षमता पर भी चर्चा की है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे भारत के लिए यह राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का भी न्योता दिया है। पीएम मोदी ने फोन पर कमला हैरिस से कहा कि हालात सुधरने के बाद आप भारत जरूर आए। इस बीच अमेरिकी दूतावास की ओर से वरिष्ठ सलाहकार और हैरिस के प्रवक्ता साइमन सैंडोज ने एक बयान जारी कर कहा कि उपराष्ट्रपति ने मोदी सहित चार लोगों के नेताओं के साथ कोविड 19 टीकों की वैश्विक आपूर्ति योजना को लेकर बात की है। इन टीकों की आपूर्ति भारत सहित विश्व के अन्य देशों में इस महीने के अंत तक की जानी है। चारों नेताओं से बातचीत के दौरान हैरिस ने कहा कि अमेरिका 2.5 करोड़ टीके पहली खेप के रूप में भेजना आरंभ करेगा। यह आपूर्ति बाइडेन हैरिस प्रशासन की जून महीने के अंत तक कम से कम 8 करोड़ टीके विभिन्न देशों को भेजने की योजना के तहत की जाएगी। चारों नेताओं ने उपराष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और वे इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक हित में कोविड 19 संबंधी सूचनाओं का मुकाबला करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा हैरिस ने मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेस ओबरडोर, ग्वाटमाला और राष्ट्रपति अलेजांड्रो गिरियामट्टी और कैरिबियन समुदाय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री किथ रावले से भी बात की है। इस बीच के दौरान मोदी ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के बाद यह भारत में कमला हैरिस का स्वागत के लिए उत्सुक है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई अन्य देशों को राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी फोन किया था। सभी देशों को कमला हैरिस ने बताया कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की कुल 2.5 करोड़ डोज की सप्लाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत समेत एशिया के कई देशों को 70 लाख कोविड वैक्सीन देगा। एशिया के जिन देशों को टीके मिलेंगे उनमें भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, पापुआ न्यू गिनी और ताइवान को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाएगा। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहें एसडब्ल्यूबी हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।